हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज बनाऊंगा मैं पोर्क यानी कि सुअर की मीट। तो दोस्तों जो मेरा बनाने का स्टाइल होता है मैं पहाड़ी स्टाइल में बनाता हूं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें। तो चलो दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रखा मैंने यहां पे कुकर। दोस्तों कुकर को हम अच्छे से गर्म कर देंगे और गर्म करने के बाद डाल देंगे इसमें ऑयल। और ये मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है और तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा और जीरे को भी अच्छे से गरम कर देंगे और तब जाके डालेंगे हम इसमें प्याज। और प्याज हम इसमें थोड़ा और डालेंगे और इसको अच्छे से ब्राउन कर देंगे। अच्छे से भूनना है हमें प्याज को। तो दोस्तों आप पहले से देख सकते हैं हमारा प्याज काफ़ी ब्राउन हो गया है। तो इसमें डालेंगे अब हम टमाटर। और ये हमने इसमें टमाटर डाला और थोड़ा इसके ऊपर से डाल देंगे हम नमक, जिससे कि हमारा प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज टमाटर भी काफ़ी गल गया है। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम एक पैकेट जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये डाला हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून देंगे। एक पैकेट मैंने मीट मसाला लिया है और इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये डाला मैंने यहाँ पे पूरा एक पैकेट। अब इसको अच्छे से मैं पहले भून दूँगा। अब भूनने के बाद डालूँगा मैं इसमें एक चम्मच मिक्स मसाले, जिसमें कि आपका हल्दी, धनिया और सारे मसाले मिक्स रहते हैं। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें डाल दूँगा मैं पोर्क और ये इसमें मैं धीरे धीरे पोर्क डाल रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें पूरा पोर्क डाल दिया और इसको मैं दो मिनट तक अच्छे से भूनूंगा। इसको हमें दो मिनट तक अच्छे से भूनना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पोर्क तैयार हो रहा है अभी, आप देख सकते हैं। और हमें इसको अच्छे से भूनना है दोस्तों। तो दोस्तों अब डालेंगे इसमें हम हल्का सा पानी और पहले हम इसको धो देंगे करछी को। और इसमें पानी डाल दिया है हमने। अब इसमें ढक्कन मार देंगे कुकर का और इस पे मार देंगे हम 5 सीटी। तो दोस्तों मैंने इस पे 5 सीटी मार दी है। अब देखते हैं ये कितना पका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पोर्क अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है अभी। तो दोस्तों इसमें डालेंगे ऊपर से हम हरा लहसुन के पत्ते हो गए, ये डाला मैंने हरे लहसुन के पत्ते और हरा धनिया। और ये मैंने डाला हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। तो दोस्तों तैयार है हमारा पोर्क। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना लाजवाब बन रखा है। तो दोस्तों अब इसको डालेंगे एक थाली में। तो ये डाल दिया दोस्तों मैंने थाली में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना लाजवाब हमारा पोर्क बन रखा है, सुअर की मीट बन रखी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।